हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम वजाइनल ड्राइनेस सेक्स करने के टाइम पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये रहता है कि जब कभी भी कोई पार्टनर सेक्स करते हैं तो वजाइना के फ्लूइड सिक्रेट होते हैं, जो वजाइना की लाइनिंग को, मतलब वजाइना के जो वॉल रहती है उस पे छोटे 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 ऐसे फ्लूइड का एक लेयर बनता है। इससे क्या होता है, ये जो फ्लूइड का लेयर बनता है इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। नॉर्मली ये जो वजाइना का जो फ्लूइड सिक्रेट होता है उसको वजाइना के पास में थोड़े छोटे छोटे ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं जहां पे फ्लूइड बनता है और फिर वो ग्लैंड्स वजाइना में रिलीज करते हैं उसको, वहां से सिक्रेट होते हैं, राइट। ये एकदम नॉर्मल चीज है, ये हर एडल्ट लेडी जिसको सेक्सुअल एक्टिविटी रखनी होती है उसमें ये फ्लूइड का सिक्रीशन बनता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। काफी बार अक्सर हम ये नोट डाउन करते हैं कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन एकदम कम हो गया है। जब ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कम हो जाता है तो जो मेल पार्टनर रहते हैं वो मेल पार्टनर के पीनिस पे, मतलब मेल पार्टनर के योनी पे जब अंदर जाता है तब ड्राइनेस के वजह से सेक्सुअल प्लेजर अच्छा नहीं मिलता, राइट। ये बहुत कॉमन कंप्लेन है हर कपल का। इस चीज को हम बोलते हैं वजाइनल ड्राइनेस। सबसे पहले देख लेते हैं कि वजाइनल ड्राइनेस किन चीजों में बहुत कॉमन है। वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा कॉमन होता है इन विमेन हु आर मोर देन एज 45, जिसे पेरीमेनोपॉजल विमेन, मतलब मेनोपॉज जिनका नजदीक आने वाला है या पीरियड बंद होने वाला है, इन विमेन में ये बहुत कॉमन है। सेकेंड, इट इज कॉमन एस्पेशली इन केसेस ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन। थर्ड, वजाइनल ड्राइनेस बहुत कॉमन रहता है अगर फीमेल पार्टनर को ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, ये चीज में भी बहुत कॉमन है। और फोर्थ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो, मतलब अगर आप महीने में एक ही बार सेक्स करते हो, हफ्ते में एक ही बार सेक्स करते हो, तो ये सिचुएशन में आपके वजाइना के अंदर ड्राइनेस होना बहुत कॉमन है, राइट। कॉमनली इस चीज को लेके ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते, पर वजाइनल ड्राइनेस के वजह से, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत तकलीफ होती है, इमोशनल इंबैलेंस हो जाता है। हम इस वीडियो में अब ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका होम रेमेडीज या बेसिक्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इज टू हैव इंक्रीज्ड फोरप्ले, मतलब सेक्स करने के पहले इफ यू इंक्रीज योर फोरप्ले तो डेफिनेटली वजाइनल सिक्रीशंस का प्रमाण बढ़ जाता है। दैट इज द बेस्ट रेकमेंडेड ट्रीटमेंट 100%। अगर मान के चलिए इंक्रीज फोरप्ले से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, देन द सेकेंड इज टू यूज एनी फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट्स। ये जो लुब्रिकेंट्स है ये कॉमनली अवेलेबल ऑयल्स है, कॉमनली अवेलेबल सिलिकॉन के जेल्स है, पर प्लीज ये जो लुब्रिकेंट्स आपको यूज करने हैं ये आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से यूज कीजिए। डू नॉट जस्ट हैफेजर्डली टेक एनी लुब्रिकेंट विच इज अवेलेबल एंड देन कंप्लेन के मेरे वजाइनल ड्राइनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। अगर नंबर वन और नंबर टू करने के बाद में भी इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग कॉल्ड एज अ हाई वजाइनल स्वॉप। ओके, इसे हम बोलते हैं HVS, मतलब वजाइना के अंदर एक छोटा सा पार्ट को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ये सिक्रीशन को, ये ध्यान में रखने के लिए कि उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन्फेक्शन बहुत कॉमन कारण है वजाइनल ड्राइनेस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये आपके डॉक्टर करेंगे, ये आप घर पे नहीं कर सकते, ऑलराइट। फोर्थ, डाइट, एस्पेशली डाइट विच इज फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स। ओके, एनी हाई फाइबर डाइट, कर्ड, बटर मिल्क, ऑल दीज थिंग्स ना, जिसमें प्रोबायोटिक कंटेंट ज्यादा है, वो वजाइनल ड्राइनेस में बहुत हेल्प करता है। एंड सेकेंड, डाइट में एनी थिंग विच इज गुड इन फाइटोइस्ट्रोजन। फाइटोइस्ट्रोजन मतलब सोया मिल्क, सोयाबीन का सब्जी, ओके, अलसी। अलसी को हम नॉर्मली जब हम मार्केट में जाके रेकमेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लैक्सीड, राइट। ये सब चीजें अगर आप डाइटरी चेंजेस करते हैं तो भी आपके वजाइनल ड्राइनेस में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है।
अब मान के चलिए आपने ये सब कर लिया पर तो भी आपका वजाइनल ड्राइनेस ट्रीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम ऑटो इम्यून और एंडोक्रिनोलॉजिकल कंडीशन। इस चीज को आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है, एग्जामिनेशन करना है और फिर ही इस चीज का आगे ट्रीटमेंट करना है। अगर ये होम रेमेडीज काम नहीं करता तो, और ये एज अ पेशेंट आपका ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजाइनल ड्राइनेस अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 40% कपल्स इस चीज का कंप्लेन करते हैं एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। और इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, यू नो यू जस्ट हैव टू इंक्रीज योर सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज द फोर प्ले एंड यूज लुब्रिकेंट्स इफ एट ऑल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लुब्रिकेशन। बट अगर ये सब करने के बावजूद में अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है देन यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वजाइनल ड्राइनेस को लेके। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।